के जस्ट बगल में जो आप लोकेशन देख रहे हो वो एलडीए से लगा हुआ है, सामने हम लोग की रोड पड़ रही है, इसके ठीक बैक साइड में आपका आवास विकास का प्रोजेक्ट आने वाला है। कमर्शियल स्पेस, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, पार्क वगैरह, और जिला पंचायत से अप्रूवल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक से आप इस पे लोन करा सकते हैं। कुछ डिस्काउंट? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल मैम, आपके ऑडियंस के लिए बिल्कुल डिस्काउंट रहेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी। तो आज मैं आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिखाने आ गई हूँ जेल रोड पे। तो चलिए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, बाकी डिटेल जानते हैं और बात करते हैं श्रद्धा जी से। हेलो श्रद्धा जी। हेलो। ऑडियंस को सबसे पहले लोकेशन समझा दीजिए, किधर खड़े हैं हम। अच्छा, लोकेशन वाइज अगर मैं बताऊँ तो प्रोजेक्ट हमारा पड़ता है जेल रोड पे, जस्ट नियर टू किसान पथ। अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो जेल से पड़ जाता है ये करीब 1.5 किलोमीटर, और खुजौली चौराहे से भी ये करीब 1 किलोमीटर पड़ता है। अगर उधर के लैंडमार्क की बात करें तो ये मेदांता हॉस्पिटल से एक्जैक्टली आपका 10 किलोमीटर पड़ेगा, प्लस सुल्तानपुर रोड से करीब आपका 4 किलोमीटर और रिंग रोड से करीब 2.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ेगा। तो बेसिकली अभी जो हम लोग खड़े हुए हैं इसके जस्ट बगल में जो आप लोकेशन देख रहे हो वो एलडीए से लगा हुआ है, और जो रोड है, जो सामने हम लोग की रोड पड़ रही है, इसके ठीक बैक साइड में आपका आवास विकास का प्रोजेक्ट आने वाला है। पूरा यहाँ तक आवास विकास का, पूरा आवास विकास का प्रोजेक्ट आने वाला है। आवास विकास के प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने इनका। आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? ये प्रोजेक्ट है हमारा मरीन सेम्ब्रा सिटी के नाम से, जो कि जिला पंचायत से अप्रूव्ड है। और यहाँ पे आप क्या क्या देने वाली अमेनिटीज? तो अमेनिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो ये पूरी टाउनशिप गेटेड रहेगी, जिला पंचायत से अप्रूवल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक से आप इस पे लोन करा सकते हैं, इमीडिएट रजिस्ट्री है, पोजीशन है। अमेनिटीज की बात करें तो इसमें 40 फिट 30 फिट की रोड मिल रही है, पार्क एरिया मिल रहा है, क्लब एरिया इसमें हम लोग बनवा के आपको दे रहे हैं, प्लस कॉमर्शियल स्पेस, आपको जो भी डेली यूटिलिटी की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कॉमर्शियल प्लॉट यहाँ पर सोल्ड कर रहे हैं। तो ये सारी अमेनिटीज यहाँ पर मिल रही हैं। और आपकी साइड पे घर भी बन रहे हैं किसी का? हाँ, एक हमारे क्लाइंट ने परचेस किया था, जो अभी कंस्ट्रक्शन अपने स्टार्ट कर दिया है, ग्राउंड फ्लोर तक का बन चुका है, बाकी का आगे उनका प्लान है उसको बनवाने का। तो ये कितने बीघा का आपका पूरा प्रोजेक्ट? देखिए प्रोजेक्ट की बात करो तो हमारे पास लैंड काफी ज्यादा है, हमारे पास करीब 15 से 20 बीघे है, बट अभी जो हमारा अप्रूवल है वो हमारे करीब 4 बीघे का अप्रूवल है। तो इनिशियली वी आर सेलिंग ओनली, जो हमारा 4 बीघे का है वो अभी हम लोग सेल कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग अप्रूवल को एक्सटेंड करेंगे और आगे हम प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे। इसको करीब 20 से 22 बीघे में टोटल हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा। मिनिमम प्लॉट साइज कितना है, रजिस्ट्री वगैरह कहाँ होगी? Okay. और बुकिंग वगैरह? देखिए यहाँ का प्लॉट साइज हमारा स्टार्ट होता है 1000 स्क्वायर फिट से, 1000, 1250, 1500। कॉर्नर के कुछ प्लॉट्स हैं जो आप 2000 स्क्वायर फीट तक का एरिया जाता है, प्लस पीएलसी वगैरह अगर आप पार्क फेस लेते हैं या 40 फीट रोड पे लेते हैं तो उस पर एडिशनल आपको पीएलसी पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्री की मैं बात करूं तो मोहनलालगंज तहसील में इसकी रजिस्ट्री होगी आपकी। चलिए, मोहनलालगंज तहसील में रजिस्ट्री है, जैसा कि आपको पार्क वगैरह और कॉमर्शियल स्पेस ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, वाइड रोड्स हैं, गेटेड सोसाइटी ये सब रहने वाली है, एंड जिला पंचायत से अप्रूव्ड है, मेन है। बैंक लोन रेट इसमें 1699 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है हमारा। 1699? कुछ डिस्काउंट? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल मैम, आपके ऑडियंस के लिए बिल्कुल डिस्काउंट रहेगा। अभी हम लोग इनफैक्ट एक डिस्काउंट रन भी कर रहे हैं 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का, बिकॉज अभी हम लोगों ने रेरा में सबमिट किया है, तो जैसे ही हमारा रेरा नंबर आ जाएगा तो ये जो 200 रुपए का हमारा इनॉगुलर डिस्काउंट है ये हम लोग डिसकंटिन्यू करेंगे, तो आपकी ऑडियंस के लिए डेफिनेटली ये 200 रुपए पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट रहेगा कस्टमर के लिए। साथ ही इस लोकेशन की मैं बात बता दूं थोड़ा सा, मैं आपका टाइम क्या है आसपास की मैं बात बताऊं, आपका ये जेल रोड है, सबसे पहले ये गोसाईगंज से स्टार्ट होता है, मोहनलालगंज को कनेक्ट करता है, 4 लेन प्रपोज्ड है। सामने आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपका आवास विकास का 300 एकड़ का प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जिसकी लॉटरी इस साल के लास्ट तक आ सकती है, मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा सेल आउट होना। और इससे आगे बात करें, थोड़ा सा आगे चलेंगे 500 मीटर पे एल्डिको, जो कि एक बहुत बड़ा बिल्डर है लखनऊ का, वो काफी लैंड परचेज कर रहा है, तो वहां पर एल्डिको का प्रोजेक्ट आने वाला है। किसान पद जो आपका करीब 3.5-4 किलोमीटर का पैच बचा हुआ है, उस पे ऑलरेडी कई सारे आपके एलडीए अप्रूव प्रोजेक्ट हैं। जैसे मैं अगर यहाँ सराउंडिंग में एलडीए अप्रूव प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 3,350 रुपए का रेट यहाँ पर चल रहा है इस लोकेशन पे। तो हम लोग इस तरह की कनेक्टिविटी पे हैं जहाँ पर आपको आगे आने वाले 4 से 5 साल में बहुत अच्छा अप्रिशिएशन इस लोकेशन का मिलेगा, क्योंकि आपका आवास विकास का प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आ चुका है। प्लस साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करूं तो पूर्वांचल यहां से मैंने आपको बताया कि 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है, 500 मीटर पे पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूर्वांचल का आपका आ रहा है, और आपका जो क्या बोलते हैं सिविल कोर्ट वो शिफ्ट आपका यहीं जेल के पास में हो रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर जब फ्यूचर में आएंगे और सब चीज़ें रनिंग में रहेंगी तो आपका आगे आने वाले 2 से 5 साल में एक अच्छा अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी देख सकते हैं, अदरवाइज जो कोई ऐसे हैं जो अच्छी टाउनशिप में लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अगर डिस्टेंस का इशू नहीं है तो वो लोग यहाँ पर अपना रेजिडेंस के प्रोस्पेक्ट से भी ले सकते हैं, क्योंकि एक मकान आप सामने देख ही रहे हो और भी है, मतलब आसपास में पूरा रेजिडेंशियल है। आप ये सोसाइटी के अलावा भी देख सकते हैं, बाहर मतलब लोग रहते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप रह भी सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेते हैं तो 2-4 साल में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एप्रिसिएशन मिल जाएगा। बाकी डिटेल, बाकी कुछ भी जानना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार कॉल करिए, विजिट करके जरूर देखिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, कोई प्लॉट लेना चाहता है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।